एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना कि लीनियर परम्यूटेशन क्या होता है फिर सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है फिर कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो एक तरह से फिर से फिर से आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका परम्यूटेशन कैसे होता है एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग अभी कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन एक कॉन्सेप्ट है ना बच्चों ये दो चीजों में आ, मतलब मैंने एक्चुअली इसको डिवाइड किया है मतलब एक्सरसाइज इतना ज्यादा बड़ा है हर मतलब अगर हम एक्सरसाइज थ्री की बात करेंगे तो उसमें टोटल ऑफ ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है तो एक ही इसमें नहीं ले पाया था इसलिए हम लोग ने स्टार्टिंग में कुछ 11 क्वेश्चन को लिए थे अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सजेस्टेड वीडियो में डाल दूंगा यहां पे चाहे तो जाकर देख सकते हैं वहां पे मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है सिलेक्शन को क्या बोलते हैं कैसे किया जाता है उसका फॉर्म्यूला क्या होता है ऑल दिस थिंग्स मैंने बताया था एंड उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे आज हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन करने वाले हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यहाँ पे एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से लेकर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स तक हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है बट आप लोगों को क्या टेंशन है अगर आप लोगों को लगता है कहीं पे भी कि इधर तक हम लोग को पढ़ना है अभी फिलहाल के लिए आप उतना ही देख सकते हैं उतना ही पढ़े वीडियो को पॉज करें बंद करे उतना सॉल्व करें बाद में का चीजों को रेज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोग को सारे चीजें आज कंप्लीट कर दूंगा आज इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं शुरू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स का 12 के साथ। सबसे पहला यहाँ पे दिया है बच्चों शुरुआती तौर के थोड़े क्वेश्चन है ना थोड़े से डेंजरस है उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो एक आध दो क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं अगर आप लोग ने ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन टीचर से सीखा होगा तो आप लोग को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ रहेगा तो प्लीज जाकर यहाँ पे ध्यान से सुने ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ते वक्त कुछ समझ में नहीं आता है मैं यहां पे पूरा कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए

कॉन्करेंट का मतलब समझते हो ना बच्चा कॉन्करेंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट का मतलब होता है तीन या तीन से ज्यादा लाइन जब एक ही जगह पे आकर मीट करते हैं तो उन्होंने बोला है कि नो थ्री लाइन आर कॉन्करेंट मतलब ऐसा कोई भी तीन लाइन नहीं है जो एक ही पॉइंट में आकर अटैच uh, करते होंगे या एक ही लाइन पे आ, एक ही पॉइंट में आकर मतलब यू नो इंटरसेक्ट होते होंगे ऐसा है ही नहीं तो बड़ा सिंपल सा चीज करके देखे रखा है बच्चों उन्होंने उन्होंने बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दैट कुड हैपन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों मुझे एक बात बताओ मतलब तीन पॉइंट जो है तीन लाइन जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस नहीं बना रहे मतलब कोई दो लाइन ही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बना रहे एंड कोई भी नहीं है मतलब हर कोई एक तरह से बोल सकते हैं कि इंटरसेक्ट हो रहा है बहुत सिंपल है तो हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 20 स्ट्रेट लाइंस है अब मुझे बताओ बच्चों 20 स्ट्रेट लाइंस में तीन लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रहे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस नहीं बन रहे दो ही बन रहे हैं तो आपको नहीं लगता बच्चों अगर मुझे एक इंटरसेक्शन करना रहेगा इफ आई वॉन्ट टू मेक वन इंटरसेक्शन आई विल बी रिक्वायरिंग टू लाइन्स दो लाइन से एक इंटरसेक्शन बन सकता है तो उन्होंने बोला कि टोटल कितने इंटरसेक्शन बन सकते हैं तो टू लाइंस नीड टू बी चोजन मुझे दो लाइन की जरूरत पड़ेगी एक टाइम पे अगर मुझे यहां पे ट्वेंटी लाइंस का इंटरसेक्शन करना रहेगा तो एक टाइम पे मुझे टू लाइन्स को करना पड़ेगा एक इंटरसेक्शन बनाने के लिए तो जाहिर सी बात है आउट ऑफ द ट्वेंटी लाइन्स आई नीड टू टेक एनी टू लाइन्स एट अ टाइम टू सिलेक्ट इसका मतलब मैं बोल सकता हूं बच्चा तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो ट्वेंटी सी टू करके हो जाएगा काम खत्म हो गया अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझा था तो क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गया ट्वेंटी सी टू मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमें पता है बट मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था कि फॉर्मूला में आप लोग को बता दूंगा बट अगले लेक्चर में मैं आप लोग को शॉर्टकट बताने वाला हूं आज वो रहा बच्चा शॉर्टकट समझने का टाइम अगर आप लोग ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर एग्जाम की बात हो रही होगी जो एकेडेमिक है मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला से ही करें मैंने फॉर्मूला वाला पार्ट आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया आज मैं आप लोग को शॉर्टकट बताने वाला हूँ शॉर्टकट मतलब ट्वेंटी का हमने फॉर्मूला क्या सीखा था 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 20 माइनस टू द होल फैक्टोरियल फिर हम लग जाते थे काम पे बट यहाँ पे बहुत सिंपल है बच्चों ध्यान से सुनना 20 सी 2 अगर है तो आप लोग को है ना नंबर जो नीचे है ना वो नंबर देखने का है. नीचे नीचे का नंबर देखना है तो नीचे क्या दिख रहा है टू इसका मतलब है बच्चों आप लोग को सिर्फ दो ही नंबर लेने हैं नीचे का नंबर है वो डिसाइड करता है कि आपको कितने नंबर लेने तो दो लेने दो ऊपर और दो नीचे बट कौन से कौन से दो ऊपर और कौन से कौन से दो नीचे बहुत सिंपल है देखो ध्यान से सुनना तो नीचे नंबर दो है मतलब आपको दो ऊपर नंबर लेने हैं एंड दो नीचे लेने हैं काम खत्म अगर तीन नंबर होते तो ऊपर तीन आते नीचे तीन आते बट कौन सा कौन सा रहेगा बहुत सिंपल है देखो नंबर ऊपर ट्वेंटी है ना तो शुरुआत ट्वेंटी से ही होगा तो ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाय उससे एक एक कम करते जाने का तो ट्वेंटी है तो नीचे बाद में कौन सा नंबर आएगा नाइनटीन खत्म कर दो इधर ही क्यों क्योंकि मैंने बोला था नीचे दो दिख रहा है ना नंबर तो आपको ऊपर सिर्फ दो ही नंबर लेना नीचे भी दो नंबर लेने नीचे कौन सा नंबर रहेगा सिंपल है Simple. जैसे ऊपर ट्वेंटी था तो ट्वेंटी इंटू नाइनटीन किया तो नीचे टू है तो क्या हो जाएगा टू इंटू वन हो जाएगा तो ऊपर भी दो नंबर नीचे भी दो नंबर ऊपर नंबर कहां से स्टार्ट किया 20 से क्योंकि 20 था तो 20 इंटू नाइनटीन एंड नीचे कौन सा नंबर रहेगा 2 इंटू वन काम खत्म ये है शॉर्टकट सिंपल है ना बच्चा शॉर्टकट को सॉल्व करो टू वन टू टेन नाइन इंट वन तो टोटल एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट ओके अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन के पास ये थोड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन है इसका सब क्वेश्चन नंबर बी जल्दी समझ में नहीं आता है बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगा ध्यान से सुनना टेन पॉइंट आर प्लॉटेड ऑन अ प्लेन

ऐसा no मतलब अच्छा कोई भी तीन पॉइंट नहीं है जिसके वजह से मैं एक, जिसके ऊपर से मैं एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकू मतलब दो ही पॉइंट है जिससे जिसके मैं लाइन पास कर सकता हूं तीन पॉइंट्स नहीं है ऐसा कोलिनियर है ही नहीं ये तो बहुत आसान हो गया मतलब मुझे एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स मिलने चाहिए वो मिल जाएंगे दो से ज्यादा तो मिलेगा ही नहीं तीन पॉइंट्स है ही नहीं कोलिनियर है ही नहीं बोला अ टाइम फ्रॉम विच मैं लाइन को पास कर सकता हूं बराबर है मतलब सिंपल है बच्चों मेरे पास दस पॉइंट है एंड उस दस पॉइंट से मैं कोई तो दो ही पॉइंट ले सकता हूं जिससे मैं लाइन को पास कर सकूं बराबर ना तो आउट ऑफ टेन आई कैन टेक ओनली टू पॉइंट होगा Very simple. तो मैं लिख सकता इन टेन सी टू वे दस में से कोई दो ही ले सकता हूं जिससे मैं लाइन पास कर सकूं तो इसका मतलब होता है बच्चे पे टेन सी टू को सॉल्व करो फिर से शॉर्टकट मेथड नीचे नंबर दो दिख रहा है इसलिए ऊपर भी दो नंबर नीचे भी दो नंबर हो हो जाएगा उपर, नीचे 2 into 1 हो जाएगा ऊपर नीचे वेरी सिंपल तो बहुत डेंजरस है, है ध्यान से सुनना उन्होंने बोला है कि फोर पॉइंट आर कोलिनियर है मतलब ये दस पॉइंट में चार पॉइंट है ना कोलिनियर है बाकी के जो छह पॉइंट है ना वो अंधा धुंधे किधर भी वो कोलिनियर नहीं है चार पॉइंट को लिनियर इस चीज को समझाने के लिए मैंने आप लोग को जानबूझकर एक फिगर बना के दिया है एक इलस्ट्रेशन दिया है इस इलेस्ट्रेशन को ध्यान से सुनो नहीं तो नहीं समझेगा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट आपने देखा बच्चों ये चार पॉइंट मैंने जानबूझकर बुझ कोलिनियर बना के रखा है क्योंकि उन्होंने बोला है कि इन दस पॉइंट में चार पॉइंट कोलिनियर है बाकी के कोलिनियर नहीं है तो मैंने बाकी को रैंडमली किधर भी डाल दिया ये देखो फिफ्थ पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवेंथ पॉइंट एथ पॉइंट एंड नाइन्थ पॉइंट एंड टेंथ पॉइंट तो बाकी के सारे चीजें जो थे ना वो कोलिनियर नहीं थे उनमें से मैं सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता था बट वो जो चार पॉइंट है ना बच्चों वो कोलिनियर है एंड उससे मेरा सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है बराबर है अब ध्यान से सुनो बच्चों ये थोड़ा डेंजरस पार्ट है आई वॉन्ट एवरी टू प्लीज पे अटेंशन नहीं तो नहीं समझेगा इन्होंने यहां पे हमारा सब क्वेश्चन नंबर बी है उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स तो सबसे पहले बच्चों ऐसा मान के चलने का ध्यान से सुनो सबसे पहला ऐसा मान के चलने का कि कोई पॉइंट कोलिनियर थे ही नहीं सबसे पहला क्या मान के चलने का कि कोई पॉइंट कोलिनियर थे ही नहीं चार पॉइंट जो कोलिनियर बोला ना वो था ही नहीं मतलब हमारे पास टेन पॉइंट थे तो मुझे बताओ टेन पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट अगर मैं लेता हूं तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे हमने ऑप्शन नंबर अभी सब क्वेश्चन नंबर ए में अभी अभी पढ़ा मतलब बोल सकता था टोटल नंबर ऑफ वे जो हो सकता था वो टेन सी टू हो सकता था हो सकता था

मुझे कुछ कॉम्बिनेशन को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो लाइंस बन नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइन बीइंग कोलिनियर तो वो कौन से कौन से नहीं बन पा रहे हैं ध्यान से सुनो बच्चों अब वो जो ये टेंसीटू हो गया अब वो जो चार पॉइंट पे फोकस करो आपको नहीं लगता बच्चों वो चार पॉइंट जो थे वो चार पॉइंट में से भी अगर मैं किसी दो को कंसीडर करता उन चार पॉइंट्स में वो चार पॉइंट पे फोकस करो वो जो चार पॉइंट्स थे उनमें से मैं कोई भी दो पॉइंट को कंसीडर करता तो उधर भी मेरे स्ट्रेट लाइंस बन सकते थे उन चार पॉइंट्स जो भी चार पॉइंट है मेरे ऊपर एक दो तीन चार है वो चार पॉइंट्स जो है उन चार पॉइंट्स में से भी मैं कोई दो पॉइंट को ले सकता था उनसे भी लाइंस बन सकते थे कि नहीं बच्चों बन सकता था तो वो बन पाया क्या नहीं बन पाया क्योंकि वो कोलिनियर बन गए इसलिए उससे तो एक सीधा लाइन बनने वाला है बाकी के लाइंस जो बन सकते थे दो दो पॉइंट्स कंसिडर करके वो नहीं बन पाएगा उनके वजह से इसीलिए टेन सी टू जो टोटल कॉम्बिनेशन है उसमें से मैं माइनस करूंगा फोर सी टू को इसका मतलब है कि टोटल टेन सी टू में से चार पॉइंट्स में से जो दो, -दो पॉइंट ले सकता था एंड उससे लाइन बना सकता था उसको माइनस करो बिकॉज अभी तो वो नहीं बन पाएगा वो पूरा कोलिनियर है उससे जो लाइन्स बनेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम फोर सी टू माइनस करो बट यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी गलती की हमने गलती की बना सकते थे, जितने भी लाइन्स बना सकते थे मैंने सारे माइनस कर दिए बट सारे माइनस करके फायदा नहीं है मतलब वो चार सी टू में से मैं कोई भी दो पॉइंट लेता तो उससे जो भी लाइन्स बनते थे वो तो माइनस करना था बट आपको नहीं लगता बच्चों यहां पर उन चार पॉइंट में से पूरा का पूरा अगर मैं चारों पॉइंट लेता तो एक सिंगल लाइन बनता वो जरूरत है चार में से कोई भी दो, तो दो पॉइंट लूंगा तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना उससे मुझे कोई मतलब नहीं वो मुझे चाहिए ही नहीं मुझे यहां पे चाहिए चारों पॉइंट को है ना तो उससे तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है बराबर ना तो उसकी जरूरत है But मैंने माइनस कर दिया ना तो मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा यू कुड सी योर हियर फ्रॉम दो आई ऑल द फोर तो आई कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड उस पॉइंट की मुझे जरूरत है तो मैं प्लस करूंगा 4c4 को मतलब चार पॉइंट्स में से दो पॉइंट लेने वाले लाइंस मुझे जरूरत नहीं है बट चार पॉइंट्स को चारों कंसीडर करके जो लाइन बना सकता हूं वो मैं लूंगा उसको मैं प्लस करूंगा दैट विल बिकम 4c4 बराबर है तो यहाँ पे टेन सी टू का वैल्यू कितना होता है फोर्टी फाइव होता है फोर सी टू का सॉल्व करके देखो फोर इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू वन इसका मतलब होता है आंसर है सिक्स मिलेगा सो देर विल बी सिक्स जो नहीं चाहिए हमें प्लस फोर सी फोर का वैल्यू होता है वन, तो वन, वन लाइन पासिंग देख सकते हो चार पॉइंट्स में से एक लाइन पास हो रहा है वो जिसकी जरूरत है मुझे समझ में आया तो हम लोग देख सकते हैं फोर्टी फाइव माइनस सिक्स होता है थर्टी नाइन थर्टी नाइन प्लस वन होता है फोर्टी तो हम टोटल तो चालीस नहीं फोर्टी फाइव बना सकते थे बट उसमें से चार कोलिनियर होने की वजह से पॉइंट उसमें के बीच में जो छे बन सकते थे ना उसको मैंने निकाल दिया एंड उसके जगह पे जो एक बन सकता था उसको मैंने ऐड किया देखो ना प्रैक्टिकली सोचो ना कि रैंडम होते तो टोटल फोर्टी फाइव बन सकता था बट उसमें से कोलियर होने की वजह से जो जो बन सकते थे जो जो बन सकते थे बीच बीच में दो दो का तो वो मैंने मुझे, मुझे माइनस करना पड़ा एंड उसके जगह पे जो एक सीधा बना है मैंने उसको एड किया प्लस वन समझ में आया वही प्लस वन हुआ एंड माइनस सिक्स हो गया इसलिए मैं सिर्फ चालीस बना सकता हूं थैंक्स टू दैट कोलिनियर पॉइंट के वजह से समझा बच्चा

तीन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी पहला कंडीशन है नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर सबको पता है बच्चा अगर हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं तो हम उसे ट्रायंगल नहीं बना सकते तो उन्होंने बोला कि कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर है ही नहीं मतलब इसका मतलब है कि हर पॉइंट से मैं ट्रायंगल्स बना सकता हूं हर तीन पॉइंट से मैं ट्राइंगल बना सकता हूं तो सब क्वेश्चन नंबर ए बहुत सिंपल है उन्होंने बोला है बच्चा थ्री आउट ऑफ ट्वेल्व पॉइंट्स मैं ले सकता हूं कोई भी तीन पॉइंट ले सकता हूं बिकॉज है ही नहीं कोई तीन तीन पॉइंट पॉइंट तो हर से मेरा ट्रायंगल बनेगा बट मेरे पास टोटल ट्वेल्व है तो थ्री टेकन टू मेक अ ट्राइंगल मतलब ट्वेल्व सी थ्री वे से ले सकते हैं डेफिनेटली तो ट्वेल्व सी थ्री मतलब क्या हो जाएगा बच्चों सबको पता है इट्स बट मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था तो 12, नीचे थ्री नंबर है तीन नंबर है तो ऊपर भी तीन नंबर लेने पड़ेगा ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन डिवाइडेड बाय नीचे थ्री से शुरुआत हो रहा है तो थ्री इंटू टू इंटू वन आई होप बच्चों आप लोग को ये शॉर्टकट समझ में आ चुका है बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है राइट right? चलो थ्री के टेबल में आप लोग कैंसिलेशन कर सकते हो थ्री टू जेर सिक्स सिक्स टू जर टेल्व तो मिलता शायद से absolutely. तो आप टोटल टू ट्वेंटी ट्राइंगल्स बना सकते हैं बच्चों टेकिंग थ्री पॉइंट पॉइंट्स आप टोटल टू ट्वेंटी ट्राइंगल्स बना सकते हैं ये तो सिंपल था बट सब क्वेश्चन नंबर बी थोड़ा इंटरेस्टिंग है फिर से ध्यान से सुनो बट ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन से ईजी है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इन्होंने बोला है कि मेरे पास चार पॉइंट है ना वो कुल्लीनियर है तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं बच्चे ये जो चार पॉइंट्स है वो तो वेस्ट बॉडी बन गए निका में पूरा यूजलेस बन गए समझाने की कोशिश करता हूं ये 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 तो तो कितने बचे होंगे आठ तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ देख सकते हो सारे बिखरे हुए हैं अब बच्चों यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है पिछले वाले में हम लोग ने टोटल में से इतना इतना लिया एंड उतना माइनस किया क्योंकि वो एक तरह से स्ट्रेट लाइन था तो बहुत मगज मारी थी इधर मगज मारी का टेंशन ही नहीं है क्योंकि अगर आप लोग देखोगे हमने नाइंथ एंड स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया था कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स बनते हैं तीन या तीन से ज्यादा उससे कभी ट्रायंगल ही नहीं बन सकता इसका मतलब यह है बच्चों देखो मैंने यहां पे हाँ टोटल बारह पॉइंट्स थे ना तो मैंने बारह पॉइंट्स ले लिए तो अभी बारह पॉइंट बन गए ऊपर चार है एंड एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस नीचे एक मिनट एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह मैंने फोर्टीन पॉइंट बना दिए गलती से तो डोंट वरी ये एक डायग्राम था इलेस्ट्रेशन था तो डोंट वरी एक्चुअल में यहां पे सिर्फ बाद में नीचे आठ पॉइंट होने चाहिए थे दस पॉइंट नहीं सो अबाउट दैट इलेट्रेशन सिर्फ इतना समझना कि ऊपर चार पॉइंट को लिनियर है एंड नीचे बचे हुए आठ पॉइंट ओके आठ पॉइंट मस्ट बी देर और देर होता है कभी कभी ह्यूमन एरर राइट तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन सकते हैं तो वो जो चार पॉइंट जो थे उन्होंने तो पूरा भांडा ही बिगाड़ दिया मतलब तो दिया उनकी जरूरत ही नहीं है so, तो क्या मैं बोल सकता बच्चा मेरे पास टोटल 12C3 वेज हुआ करते थे एक टाइम टोटल मेरे पास 12C3 वेज हुआ करते थे हमारे प्रीवियस वाले में था ना 12 पॉइंट्स में से मैं तीन पॉइंट ले सकता ट्रायंगल बना सकता था टोटल ट्वेल्व सी थ्री वेज थे मेरे पास, बट उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा वो चार पॉइंट का जो भी बन सकता था तो मुझे बताओ बच्चों ऊपर वो मतलब, कोलिनियर ना होकर रैंडम होते तो मेरे कितने ट्रायंगल्स बन सकते थे तो आपको नहीं लगता उन चार पॉइंट्स में से भी मैं कोई भी तीन पॉइंट को लेकर ट्रायंगल्स बना सकता था तो टोटल कॉम्बिनेशन में से मुझे फोर सी थ्री को माइनस करना पड़ेगा ट्वेल्व सी थ्री बारह में से मैं तीन पॉइंट लेकर ट्राइंगल बना सकता था बट वो टोटल बनने के बाद ऊपर वो चार कोलिनियर पॉइंट जो बने हैं वो चार की वजह से मेरा ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है तो उन चारों में से कोई भी तीन लेकर मैं जो ट्राइंगल बना सकता था अब नहीं बना पा रहा हूं इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा उतने ट्राइंगल्स डिडक्ट हो जाएंगे तो ट्वेल्व सी थ्री मतलब क्या हो जाएगा मैंने पीछे ही कर दिया था सॉल्व तो मैंने वही लिया है टू ट्वेंटी और फोर सी थ्री को सॉल्व करके देखो आपको फोर मिलेगा है ना फोर ही मिलता है ना बराबर है फोर ही मिलता है तो आंसर विल बी फोर तो टू ट्वेंटी माइनस फोर करके देखो तो आपको टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन मिलेंगे सिंपल है पहले हमारे पास सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट थे तो 220 ट्वेंटी बन रहा था अब इन चारों के वजह से मेरा ट्राइंगल बनना बंद हो गया तो मेरे चार ट्राइंगल्स कम हो गए यहाँ पे तो मुझे 216 हंड्रेड एंड सिक्सटी ट्राइंगल्स मिलेगा इट वॉज एट सिंपल एंसर ये दो ही क्वेश्चन है थोड़े से डेंजरस है थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता है अगर आपको समझा है तो बेस्ट है नहीं समझा है तो प्लीज एक बार देखो और अच्छी तरह से विजुअलाइज करने की कोशिश करना यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन के पास अभी सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है फटाफट से हो जाते हैं वर्ड है, बहुत फेवरेट है मेरा Because इसमें अगर कॉम्बिनेशन करना है कि परम्यूटेशन यूज करना है चोजन वर्ड लिखा है मतलब चूज करना है चूज करना मतलब सिलेक्ट करना है तो बच्चों को लगता है कॉम्बिनेशन तो का क्वेश्चन है बट ऊपर देखोगे तो हाउ मेनी डिस्टिंग बनाने के लिए तो अरेज करना पड़ता है बट ये तो परम्यूटेशन वाला क्वेश्चन है यह तो चक दे

हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी बाद में की बात है छोड़ दो चार कॉन्सोनेंट को मैंने चूज किया है दो वाउल्स को मैंने चूज किया है तो कॉन्सोनेंट चार आठ में से लिए मैंने एंड दो वाउल्स को लिया एंड एंड बोला है तो क्या मैं बोल सकता बच्चों फोर कॉन्सोनेंट कैन बी चोजन इन एट सी फोर वे चूज करना है ना सिलेक्ट करना है तो एट सी फोर होगा एंड

चलो वो भी निकाल लेते कितने बजे एट सी फोर मतलब क्या होगा चार नंबर है नीचे तो एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव चार नंबर ले लिए ऊपर नीचे फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन सिंपल है थ्री सी टू एक्चुअली आपको पता है बच्चों प्रॉपर्टी हमने सीखा है थ्री सी टू मतलब थ्री सी वन होता है थ्री सी टू इज इक्वल टू थ्री सी थ्री माइनस टू थ्री सी वन थ्री सी वन मतलब थ्री ही देता है तो मैंने यहाँ पे थ्री किया क्या नहीं मैंने आप लोग को इजी करने के लिए अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा सॉल्व किया हो बट अगर आपको नीचे कभी भी थ्री सी टू है तो उसको थ्री सी वन लिख सकते हैं बिकॉज थ्री माइनस टू वन होता है एंड कभी भी नीचे वन आएगा ना तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आंसर डायरेक्टली ऊपर का ही मिलता है एनसी वन इज ऑलवेज इक्वल टू एन ओनली थ्री सी वन ऑलवेज भी इक्वल टू थ्री देखो ना यहाँ पे भी थ्री मिल रहा है कैंसिल हो गया तो थ्री ही मिला यहां तो बच्चों आप लोग को पहले वाला कैंसिलेशन मैंने डायरेक्टली किया है सेवेंटी मिलेगा एंड दूसरे का आपको थ्री मिलेगा सेवेंटी इंटू थ्री मिलता है टू हंड्रेड एंड टेन तो टोटल कितने चॉइस है मेरे पास कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स को लेने का दो सौ दस ये चॉइसेस है मेरे पास लेटर्स लेने के अब मैंने दो सो दस बार लेटर्स लेने का चॉइस तो किया अरे बट उसको अरेंज भी तो करना है

फोर कॉन्सोरेंट एंड टू वॉवल्स को ले लिया है तो उसको अरेंज करने के सिक्स वेज ही तो होंगे ना फैक्टोरियल वेज उनमें से अरेंज कर दो छ को ले लिया है तो सिक्स फैक्टोरियल वेज हो जाएगा एंड फैक्टोरियल वेज तो सॉल्व करना आपको आता है बट बच्चों यहां पे कहानी में ट्विस्ट है सिक्स फैक्टोरियल वेज तो मेरे अगर मैंने कोई एक बात एक बार लिया किसी भी चार कॉन्स्टोरेंट और दो वावल को लिया उसको अरेंज करने के सिक्स फैक्टोरियल वेज है बट मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने चूज करने के 220 है ना तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने बन जाएंगे इट विल बिकम 220 ट्वेंटी सॉरी टू था ना 210 हंड्रेड बाय टेन फैक्टोरियल वेज डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया यहां पे क्या हुआ कि अगर कोई भी मुझे चार कॉन्सोनेंट और दो वाउल देता है तो उसको अरेंज करने के सिक्स फैक्टोरियल वेज है बट ये कॉन्सोनेंट और वाउल लेने के तरीके भी मेरे पास 210 है ना टोटल इट विल बिकम सिक्स फैक्टरियल वेज ऑफ ओनली वन सेट बट मेरे पास 210 सेट है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब आप बोलोगे इसको मल्टीप्लाई कैसे करें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली बट अगर आप लोग करोगे तो भी बेस्ट है सिक्स फैक्टोरियल को करना इजी है कुछ 14, 15 फैक्टोरियल होता तो नहीं करेगा तो चलेगा इधर करोगे तो चलेगा सिक्स फैक्टोरियल इज नॉट अग नंबर आपको मिल जाता है उसको टू हंड्रेड एंड टेन से मल्टीप्लाई करता है वन लैक फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड दाइनल इट वॉज एट सिम्पल एसर चीज क्वेश्चन ईजी है बट दोनों का मिक्सचर था बहुत मजा आता है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है फाइंड एन अभी थोड़ा सा चिरी मिरी एक छोटा मोटा ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों उसको उड़ा देते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है अभी बीच में ही इन्होंने ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन भी डाले हैं फाइंड एन क्वल टू एनसी ट्वेल्व अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना मैंने वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज सिखाया है वो प्रॉपर्टीज को सीखे बिना अगर आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं समझेगा प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझे हमने एक प्रॉपर्टी सीखा था वो है बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखकर बोलते हैं एनसी एट इज इक्वल टू एनसी ट्वेल्व है इसका मतलब है एन और एन मैच कर रहा है सी और सी मैच कर रहा है मतलब एट इज इक्वल टू ट्वेल्व हो गया अरे ये क्या है पहली बात तो उन्होंने हमसे एन मांगा है एट इज इक्वल टू ट्वेल्व ऐसा होता नहीं है अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बच्चों हम लोग ने इस प्रॉपर्टी को पढ़ाया था एंड वो प्रॉपर्टी क्या है मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ एक्चुअली ये प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है पहली बात तो एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर तो ये पहला प्रॉपर्टी है एंड दूसरा प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग था ये वाला था इफ एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एस अगर दोनों का एन एन सेम है और कॉम्बिनेशन ही हो रहा है इफ एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एस देन आइदर होता है जो कि हमारे केस में नहीं हो रहा है और एस इज इक्वल आर होता है या तो वो जो एस है वो एन माइनस आर के इक्वल हो जाता है बहुत ही सिंपल है ये दो कंडीशन होते हैं या तो आपका एस और आर इक्वल रहेगा नहीं तो आपका एस का वैल्यू जो होगा ना एस जो दिख रहा है आप लोगों को सेकंड पार्ट वो एन माइनस आर होगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो लेट मी हेल्प यू आउट तो यहाँ पे एनसी एट इज इक्वल टू एनसी ट्वेल्व है तो या तो आपका एट और ट्वेल्थ इक्वल होना चाहिए जो कि पॉसिबल है ही नहीं नहीं तो बच्चों आप लोग का एस जो है जो कि मेरा यहां पे ट्वेल्थ दिख रहा है 12 S, किसी को भी कुछ भी ले सकते हो आप लोग एट को भी S लेते तो भी चलता तो एसाउन इक्वल टू एन माइनस आर तो ट्वेल्थ विल बिकम एन माइनस एट वेरी सिंपल क्योंकि रीजन है एन और आर आर नॉट इक्वल तो पहला कंडीशन जो है वो तो फ्लॉप हो जाएगा दूसरा कंडीशन है एस इज इक्वल टू एन माइनस आर तो नीचे का नंबर देखने का 12 n -8. तो ट्वेल्व इज इक्वल टू एन माइनस एट वेरी सिंपल तो यहां पर जो माइनस एट को वहां पे लेके जाओ तो एन इज इक्वल टू ट्वेंटी मिल जाएगा तो काम खत्म हो गया आपका पहला क्वेश्चन खत्म भी हो गया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ऐसा और भी एक क्वेश्चन आने वाला है सब क्वेश्चन नंबर टू आपको और इजी बना देगा ये क्वेश्चन अभी ध्यान से देखो इधर भी ऐसा ही लिखा है 23C3N थ्री सी थ्री एन इज इक्वल इधर भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे अगर NCR is equal to एन तो इसका मतलब होता है या तो r is equal to s होता है नहीं तो s का वैल्यू n minus r होता है तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी होंगे या तो बच्चा आप लोग का 3n जो है वो 2n plus 3 के साथ इक्वल हो जाएगा या तो r और s इक्वल होंगे नहीं तो बच्चों s is equal to n minus r अब किसी को भी एस लो किसी को भी एन आर लो फर्क नहीं पड़ता बच्चों में फिर से बोल रहा हूं बाद में का ही एस होना चाहिए पहले का ही आर होना चाहिए ऐसा नहीं है एस इज इक्वल टू एन माइनस आर मैंने थ्री एन को भी एस लिया तो भी चलेगा तो देखो थ्री एन इज इक्वल टू एन माइनस एन कितना है ट्वेंटी थ्री माइनस आर मतलब टू एन प्लस थ्री किसी को भी एस ले सकते हो इन दोनों में से किसी को भी आर ले सकते हो दोनों में से कुछ भी कुछ बच्चे बोलेंगे टू एन प्लस थ्री इज इक्वल टू ऐसा करके क्यों नहीं लिखा लिख सकते थे दोनों में आंसर सेम ही मिलता है ओके okay, किसी को भी एस लो किसी को भी आर लो फर्क नहीं पड़ता इट्स अ जनरल टर्म यहां पे बच्चों सॉल्व करोगे तो 2n को उधर लेके जाओ 3n एन n होता है n इज इक्वल टू या तो 3 मिलेगा नहीं तो 3n एन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री माइनस टू हो जाएगा सबको पता है एन का वैल्यू एक तो आंसर मिल ही चुका है दूसरा आंसर मिलना बहुत आसान है माइनस टू एन को उधर लेके जाओ प्लस टू एन हो जाएगा तो फाइव एन इज इक्वल टू ट्वेंटी बनेगा तो एन का वैल्यू फोर मिलना चाहिए सो दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज दैट यू कुड गेट ओवर हियर एन के दो आंसर मिलेंगे एंड दोनों आंसर राइट right है तो एन का वैल्यू या तो थ्री हो सकता है नहीं तो एन का वैल्यू फोर हो सकता है एज सिंपल है प्रॉपर्टी बड़ा सिंपल है बस आपको यूज करना आना चाहिए सब क्वेश्चन नंबर थ्री भी कुछ ऐसा ही है ये भी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है यहां पे देख सकते हो ट्वेंटी वन सी सिक्स एन इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सी एन स्क्वायर प्लस फाइव फिर से वही अगर ncr और एनसीएस इक्वल होते हैं तो या तो आर का वैल्यू एस के साथ इक्वल होगा नहीं तो बचा एस का वैल्यू एन माइनस आर होगा मतलब बच्चों यहाँ पे या तो सिक्स एन का वैल्यू एन स्क्वायर प्लस फाइव के साथ इक्वल होगा नीचे के दो वैल्यूज या फिर बच्चों सिक्स एन का वैल्यू एन माइनस एस मतलब ट्वेंटी वन माइनस एन स्क्वायर प्लस फाइव जाएगा वेरी सिंपल बराबर इजी तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमें इक्वेशन बनता दिख रहा है इक्वेशन तो मिलेगा नहीं तो बच्चों इधर अगर हम सॉल्व करने जाते हैं सिक्स एन इज इक्वल टू तो ट्वेंटी वन माइनस एन स्क्वायर माइनस फाइव इधर भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है तो दिस कॉड्रेटिक इक्वेशन मैंने फिर से वैसे ही छापा तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे माइनस एन स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन ट्वेंटी वन माइनस फाइव सिक्सटीन होता है तो उसको भी लेफ्ट में लेके जाओगे तो माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो मिलेगा दोनों फैक्टराइजेबल है दोनों को सॉल्व करो आपको आंसर मिलेगा क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना बंद कर दिया है बिकॉज आप एट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो फैक्टराइजेशन एट्थ नाइन्थ टेंथ अभी इलेवंथ आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत हेल्प किया हूं जैसे N2 N को मैंने N -N लिखा है है आप लोग के लिए एंड वो वो जो प्लस 6 दिख रहा है वो तो एट और टू का सब्ट्रैक्शन से मिलेगा आप लोग को बिकॉज माइनस सिक्सटीन इज द फैक्टर आपको चाहिए तो प्लस एट और माइनस टू से मिल जाएगा इसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी आप लोग का है बच्चों एक ब्रैकेट में एन माइनस फाइव मिलेगा दूसरे ब्रैकेट में एन माइनस वन मिलेगा इधर एक ब्रैकेट में एन ट मिलेगा दूसरे में एन माइनस टू तो आपको कुछ आंसर मिलेंगे जैसे एन इज इक्वल टू फाइव मिलेगा नहीं तो एन इज इक्वल टू वन मिलेगा नहीं तो एन इज इक्वल टू माइनस एट मिलेगा नहीं तो एन इज इक्वल टू टू मिलेगा अब आप बोलोगे चारों आंसर राइट है पहली बात तो गलत चार आंसर में से एक तो गलत है इतना तो हमें दिख ही रहा है कौन सा नेगेटिव नंबर नेगेटिव आर नॉट इन यहाँ पे चलेगा ही नहीं इट्स नॉट एट ऑल इंक्लूडेड एन इज अ इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो n इक्वल टू माइनस है तो नहीं चलेगा। आप बोलोगे बाकी का तो चलना चाहिए ना? नहीं। जब भी आप लोगों को आंसर मिलता है पहले मेक श्योर sure कि आपके आंसर्स आपके कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। जैसे आप लोग देख सकते हैं पे एन इज इक्वल टू अगर फाइव आप किसी में भी सब्सट्रीब्यूट कर दो ऊपर लेफ्ट में करना है तो कर लो तो ट्वेंटी जो दिख रहा है उसमें एन का वैल्यू फाइव डालो तो सिक्स इंटू फाइव थर्टी बनेगा इट विल बिकम ट्वेंटी वन सी थर्टी हमने सीखा था बच्चा नीचे का जो नंबर आर होता है वो कभी एन से एक्सीड नहीं कर सकता इट्स लाइक like, मेरे पास 21 प्लेसेस है 21 कुर्सियां कुर्सिया है एंड मैं उसमें 30 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ कैसे कर सकता हूं मैं नहीं कर सकता तो एन का वैल्यू और आर का वैल्यू है तो इक्वल हो सकता है नहीं तो आर का वैल्यू एन से हमेशा छोटा होगा कभी बड़ा नहीं हो सकता इसका मतलब है एन का वैल्यू कभी फाइव नहीं होगा बिकॉज अगर एन का वैल्यू फाइव हुआ तो सिक्स एन का वैल्यू ट्वेंटी बड़ा हो जाएगा बट ट्वेंटी छोटा होना चाहिए उसका वैल्यू मतलब एन का वैल्यू कभी फाइव नहीं हो सकता एंड एन का वैल्यू माइनस एट भी नहीं हो सकता बिकॉज नेगेटिव मैंने दोनों रीजन लिख के दिए तो इसका मतलब यह हो सकती है कि एन का वैल्यू वन हो जाएगा हाँ सब्सटीब्यूट करके भी देखो मिल जाएगा या फिर एन का वैल्यू टू हो सकता है कि डेफिनेटली ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं दीज आर द ओनली टू आंसर आउट ऑफ द फोर बाकी दोनों को यहाँ पे

बच्चों एन सी आर वॉज इक्वल टू एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल कुछ याद आ रहा है बच्चों तो यहाँ पे एनपीआर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल ये प्रॉपर्टी था वो फॉर्मूला से ही डिराइव प्रॉपर्टी है तो यहां मैंने रीजन भी लिखा है एनसीआर इज ऑलवेज इक्वल टू एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल आप अगर देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एनपीआर और राइट हैंड साइड में एनपीआर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर फैक्टोरियल बराबर ना वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर फैक्टोरियल फैक्टोरियल को वहां पे लेके जाओ एक्स का वैल्यू मिल गया तो कितना है बच्चों एक्स इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था वहां पे सिर्फ इतना था कि जनरल आंसर नहीं मिला था एक नंबर के साथ मिला था यहां पे जनरल आंसर मिल रहा है एक्स इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल एज सिंपल एज दैट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बच्चों बहुत ही सिंपल है चलो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास फाइंड आर इफ इलेवन सी फोर प्लस इलेवन सी फाइव प्लस ट्वेल्व सी सिक्स प्लस थर्टीन सी सेवन इज इक्वल टू फोर्टीन सी आर यहाँ पे आर का वैल्यू निकालना है ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है फिर से प्रॉपर्टी ये जितने भी क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है एंड सारे प्रॉपर्टी मैंने देखे रखा है मैंने बोला भी था कि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है पढ़ना अच्छी तरह से यहां पे क्या करना है मालूम है दिस इज अ चेन रिएक्शन रिएक्शन बच्चा एक ना हो जाता है एंड बहुत मस्त एकदम धमाका हो जाता है एंड ये चेन रिएक्शन करते बैठता है जब तक सारे टर्म्स गायब नहीं हो जाते नहीं समझा एक प्रॉपर्टी था बच्चों में आप लोग को फिर से याद दिलाता हूं प्रॉपर्टी लिखा नहीं रहेगा तो प्लीज लिखना एनसीआर प्लस एन आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर कुछ याद आया एनसीआर प्लस एन आर माइनस वन अंडरलाइन so, वाला पार्ट देखो देखो इधर दिखाए हाँ इलेवन सी फोर प्लस इलेवन सी फाइव है तो मैंने इलेवन सी फाइव प्लस इलेवन सी फोर कर दिया एक्चुअली मुझे बताओ ये करने की जरूरत भी नहीं है पहली बार मैं किया हूं आगे आगे जाकर नहीं किया हूं पहले में बताने के लिए किया हूं कि देखो इलेवन सी फोर प्लस इलेवन सी फाइव में रीअरेंज कर दिया है आपको के लिए। अब देखो तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन देखो ना फाइव माइनस वन फोर होता है ना तो आप यह फॉर्मुला यूज कर सकते प्रॉपर्टी हाँ तो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन क्या था एन प्लस वन सी आर था एन प्लस वन यहाँ पे सिंगल में बाकी के सारे चीजों को सेम टू तो सेम कॉपी करो बिकॉज उनकी अभी तक जरूरत नहीं थी रीजन लिख लिया एनसीआर माइनस वन इज इक्वल अभी इन दोनों को अंडरलाइन को देखो अरे परत प्रॉपर्टी इकड़े है कि नहीं प्लस आप बोलोगे कैसे तो रीअरेंज करो ना बच्चों मैंने हर बार रीअरेंज नहीं किया है देखो ट्वेल्व सी सिक्स को पहले रखो एंड ट्वेल्व सी फाइव को बाद में रखो नहीं लग रहा है क्या बच्चों ट्वेल्थ सी सिक्स को पहले रखो ट्वेल्थ सी फाइव को बाद में एनसीआर एन तो का वैल्यू ट्वेल्व है और आर का वैल्यू सिक्स है तो एन प्लस वन मतलब थर्टीन हो जाएगा तो थर्टीन सी सिक्स बनेगा ये सिंपल है गलती से भी थर्टीन सी फाइव मत बोलना ट्वेल्व सी सिक्स पहले आएगा ना तो प्लस थर्टीन सी सेवन इज इक्वल टू फोर्टीन सी आर यहां पे भी वही रीजन एंड फिर देखोगे तो इन दोनों अंडरलाइन को देखो फिर से रीअरेंज करो तो थर्टीन सी सेवन पहले आएगा 13 बाद में आएगा यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हो जाएगा एन प्लस वन मतलब 14 C7, तो यहाँ पे पे बच्चों डायरेक्ट कंपेयर मत करना कि R का वैल्यू 7 मिल गया नहीं हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था अभी अभी पढ़ा था कि इफ एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एस देन आर विल बी आईधर एस और इट विल बी एन माइनस आर बट इधर चल जा रहा है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं आईदर आर विल बी इक्वल टू सेवन इट विल बी आर इज इक्वल टू एन माइनस आर मतलब सेवन बट आप देख सकते हो बच्चों सेवन भी आपको सेवन ही दे रहा है, तो इसका मतलब है आपको आर का वैल्यू सिर्फ एक ही मिल रहा है पे आर इज इक्वल टू से क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे जाते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ इसमें यह वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था अगर आप लोग को समेशन के बारे में कुछ ठीक से पता नहीं है तो प्लीज जाकर पहला समेसन वाला कॉन्सेप्ट को पढ़े अच्छी तरह से उसको अगर मैंने डिटेल में पढ़ाया अगर आप लोगों को देखना है तो आप सीक्वेंसेस एंड सीरीज करके चैप्टर देख सकते हैं उसमें मैंने बताया है होपफुली आप लोगों को अब तक तो समेशन वाला पार्ट आता ही होगा समेशन का मतलब होता है एडिशन एंड आप लोगों को कुछ वैल्यूज देके रखते हैं उसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना होता है जैसे उन्होंने बोला है समेशन ऑफ 2 21 r c4 जहां पे आर का वैल्यू रेंज होता है वन से लेकर फोर एंड समेशन करना मतलब ऐड करना तो आपको आर का वैल्यू एक एक करके डालना है सिर्फ एंड सारे टर्म्स मिलेंगे उसको ऐड करना है जैसे आर का वैल्यू अगर वन डालोगे तो ट्वेंटी वन माइनस आर कितना ट्वेंटी हो, हो जाएगा तो ट्वेंटी सी फोर विल बी पहला आंसर एंड फिर समेशन बोला है, मतलब प्लस होगा फिर आर का वैल्यू वन से फोर तक बोला है ना तो आर का वैल्यू टू हो जाएगा तो ट्वेंटी सी फोर बनेगा फिर आर का वैल्यू थ्री डाल के देखो तो फोर बनेगा फिर आर का वैल्यू फोर भी डाल सकते हो तो सेवनटीन सी फोर बनेगा एंड काम खत्म लूप आपका खत्म हो गया बिकॉज आर का वैल्यू मैक्स टू मैक्स फोर जा रहा है इतना करना है अब डोंट यू रियली थिंक दिस क्वेश्चन लुक्स लाइक द प्रीवियस वन बट नो इट इज नॉट लाइक प्रीवियस वन सिर्फ हल्का सा चेंज है क्योंकि माइनस वन था है नहीं। क्योंकि एक ट्वेंटी है तो दूसरा नाइनटीन है फिर सेवनटीन है, है फिर वो प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रहा है तो बच्चों जब हम लोग का ऐसा प्रॉपर्टी यूज नहीं होता है ना तो हमें थोड़ा सा अदर वे राउंड भी सीखना पड़ता है अदर वे राउंड नहीं समझा बताता हूं बच्चों देखो ट्वेंटी सी फोर को वैसे ही रखा नाइनटीन सी फोर को वैसे ही रखा एटीन सी फोर को भी वैसे ही रखा अभी ध्यान से सुनो मैंने सेवनटीन सी फोर को लिखा सेवनटीन सी फोर को क्लब आपको याद है बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो टर्म्स थे उसको मैंने क्लब करके एक बनाया था वैसे ही बच्चे उल्टा कर सकते हैं एक टर्म को दो बना सकते हैं अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टी को बाजी में रखें जैसे देखो मैंने 17C4 को लिखा 18C5 सी माइनस सेवनटीन सी अब आप बोल रहे हो गए कस ढालो ध्यान से सुनो देखो लिखो और आराम से लिखो ये जो मैंने सेवनटीन को एटीन सी फाइव माइनस कैसे लिखा होगा बहुत सिंपल है जो फॉर्मूला याद है बच्चो आप लोग को एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर बराबर है तो बच्चों उस हिसाब से एवरी वन मी थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो ये जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर्टी वही है ना ध्यान से देखो बच्चों आपको नहीं लगता देखो ना यहां पे आप लोग देख सकते हैं, हो माइनस एन उधर लेके गया होता तो फॉर्मूला वही बनता प्रॉपर्टी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर दिख रहा है उसमें से मैंने क्या किया मतलब मैं एनसीआर को राइट right में लेके गया ताकि मुझे एनसीआर माइनस वन का वैल्यू मिल सके एनसीआर माइनस वन का वैल्यू मिल सके बराबर है तो एनसीआर माइनस वन का फॉर्मूला क्या होगा एन माइनस वन मतलब सेवनटीन सी फोर तो एन माइनस वन विल बी एन प्लस वन सी आर मतलब सेवनटीन प्लस वन मतलब एटीन सी आर आर मतलब फाइव बनेगा माइनस एनसीआर एन सी आर एन कितना है बच्चों, सेवनटीन ही है ऊपर एंड आर कितना है आप का, R है 5. तो पे बन गया। आप बोलोगे ऐसा करने का क्या सिग्निफिकेंट रोल था आई डिट अंडरस्टैंड सर ऐसा क्यों किया आपने तो बहुत सिंपल है ये करने का रीजन सिर्फ एक ही था कि मुझे ऐसा कोई तो एक टर्म चाहिए था जो बाकी के टर्म्स के एन के साथ मैच कर सके मतलब आप देख सकते हो पहले हमारे सारे एन अलग अलग थे ट्वेंटी था नाइनटीन था एटीन था सेवनटीन था अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पहले वो लास्ट वाले टर्म को मैंने स्प्लिट क्या कर दिया अगर आप इन दोनों अंडरलाइन पार्ट को देखो वो लास्ट वाले पार्ट को भूल जाओ आप देख सकते हो इधर से मेरा प्रॉपर्टी फिर से वो चेन रिएक्शन वाला स्टार्ट हो सकता है क्योंकि दोनों का एन सेम है तो ये सारे चीजें जो मैंने की है वो एन को सेम करने के लिए किया होपफुली आपको समझ में आया तो मतलब देखो ट्वेंटी वो फॉर्मुला यूज कर सकता हो कि नहीं हमारा नॉर्मल प्रॉपर्टी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन एटीन सी फाइव पहले लिख लेते फोर बाद में लिख लेते तो हो जाता ना तो एन प्लस वन मतलब नाइनटीन मतलब इसका आंसर एंड वो वो तो रहने दो, वो तो दो कचरा फिर इन दोनों को देखो अरे 19 19 मैच कर दिया फिर से प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ट्वेंटी सी फोर प्लस एन प्लस वन मतलब माइनस सेवेंटीन सी फाइव प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा पहली बार पढ़ रहे हो तो कन्फ्यूजन इज ऑब्वियस हमने हमने भी कंफ्यूजन से निकाला है हमारा लाइफ बच्चों थोड़ा टेंशन आता है स्टार्टिंग में ये सोचकर बहुत डिफिकल्ट है बट नो इफ यू ट्राई प्रैक्टिसिंग इट्स वेरी इजी ओके okay? फिर इन दोनों को देखो बच्चों फिर से एन एन और सेम हो गया तो इधर हो जाएगा एन प्लस वन मतलब ट्वेंटी वन एंड सी आर मतलब सी फाइव माइनस सेवनटीन सी फाइव अब आप बोलोगे अरे इन दोनों में तो कुछ भी नहीं है अभी क्या करें अभी थोड़ा मेहनत करो ट्वेंटी वन सी फाइव का कॉम्बिनेशन सॉल्व करो सेवनटीन सी फाइव का भी कॉम्बिनेशन सॉल्व करो एंड माइनस करो करना पड़ेगा बिकॉज देर इज नो अदर प्रॉपर्टी इसमें प्रॉपर्टी नहीं है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था बच्चा नीचे अगर फाइव नंबर है तो ऊपर भी माइनस इधर भी सेवनटीन so, का भी वैसे ही करना पड़ेगा सेवनटीन इंटू सिक्स इंटू फिफ्टीन इंटू फोर्टीन इंटू थर्टीन आपको पांच नंबर लेने पड़ेंगे बिकॉज नीचे पांच नंबर है एंड यहां पे भी फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन हो जाएगा वेरी सिंपल ये वाला पार्ट जो है बच्चों मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ा है बिकॉज अभी काफी हो गया मैंने सब कुछ समझा के अभी आप लोग को थोड़ा सा स्पून फीडिंग से बाहर निकलना है आप लोगों को खुद करना है एंड वैसे भी कैलकुलेशन कुछ डिफिकल्ट नहीं है फाइव के टेबल में जाने वाला ट्वेंटी है फोर के टेबल में जाने वाला यहाँ पे कुछ है क्या बट नहीं है बट फोर आप देख सकते थ्री के टेबल में जाने वाला ट्वेंटी है काफी सारे नंबर ऐसे ही कैंसलेशन हो ही रहे तो जो पहला टर्म मिल रहा है आप लोग को वन फोर वन सिक्स वन मिलेगा एंड दूसरा नहीं सॉरी पूरा का पूरा आंसर ही वन फोर वन सिक्स वन है पहला वाला जो नंबर मिला है माइनस दूसरा वाला नंबर अगर आप करोगे तो आपको टोटल वन फोर वन सिक्स वन मिल जाएगा मुझे लगा मैंने आप लोग को थोड़ा सा तो हेल्प करके दिया है बट नहीं मैंने पूरी तरह से यहाँ पे बेरहम बेरहम होकर सब कुछ मैंने खुद डायरेक्ट सॉल्व करके ही यहां पे बता दिया बट बिलीव मी मैंने खुद सॉल्व किया है ये सारे चीजें पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर मैं क्रॉस चेक करता हूं टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर राइट आ रहा है कि नहीं एंड देन एंड ओनली देन मैं यहाँ पे लिखता हूं तो जितना मेहनत आप लोग को लग रहा है अरे सो ने तो डायरेक्टली कर दिया कितना ईजी हम लोग के ऊपर मेहनत छोड़ दिया बिल्कुल नहीं इस सब सॉल्व करने पर मैंने भी मेहनत की है आई हैव डन एवरीथिंग क्रॉस चेक एवरीथिंग हाँ ये बात अलग है कि मैं जो सॉल्व करता हूं तो कभी कभी कैलकुलेटर का यूज करता हूं बिकॉज मुझे एग्जाम नहीं देना है आप लोगों को देना है बट इतना सब मेहनत मैं कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इसे आप इतना तो मेहनत खुद के लिए कर सकते हो राइट सो ट्राई डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स वन फोर वन सिक्स वन विल बी द राइट आंसर हियर देट विल बी चेक करते रहना क्रॉस चेक करना कुछ बच्चे बोलेंगे अरे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या डिनोमिनेटर को कॉमन लिया जा सकता था बिल्कुल लिया जा सकता था बट ऐसे चीजें और डिफिकल्ट बन जाती है इट्स बेटर कि आप कैंसिलेशन ही करके आओ ज्यादा इजी हो जाएगा इट विल नॉट बी डिफिकल्ट थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा फाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे फाइंड द डिफरेंसेज बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज इन द फॉलोइंग सबसे पहला क्वेश्चन है एंड अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है आपके सॉल्व एग्जाम्पल में वैसे भी देखे रखा है बट फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दो इन्होंने बोला है फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यूज इन द फॉलोइंग एंड आपको दो वैल्यूज देखे रखा है एंड दूसरा ट्वेल्व सी आर कुछ कंडीशंस बताने हैं ध्यान से सुनना पहली बात तो उन्होंने बोला है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है इनमें से एंड उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है अब ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे पता चलेगा मतलब फोर्टीन सी आर करके लिखा है आपको पता है बच्चा फोर्टीन सी आर में कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं फोर्टीन सी जीरो फोर्टीन सी वन फोर्टीन सी टू फोर्टीन सी थ्री फोर्टीन सी फोर चलते 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 फोर्टीन सी फोर इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकल सकते हैं आर का वैल्यू जीरो से लेकर फोर्टीन तक रेंज हो सकता है अब क्या हमें फोर्टीन सी जीरो फोर्टीन सी वन फोर्टीन सी टू फोर्टीन सी थ्री ऐसा निकाल के फोर्टीन सी फोर्टीन का सारे वैल्यू निकाल के उसमें पहले देखो क्या उसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है फिर ट्वेल्थ सी जीरो ट्वेल्थ सी वन टी टू टी थ्री ऐसा करके पूरा निकाल के उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा निकालू फिर इस ग्रेटेस्ट वैल्यू और इस ग्रेटेस्ट वैल्यू का माइनस करो इतना टाइम है हमारे पास नहीं इसके पीछे एक लॉजिक है बच्चों एंड वो लॉजिक आपको समझना है बच्चों ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने का तरकी बहुत सिंपल है एंड ये तरीका आप लोग हमेशा याद रखोगे फोर्टीन सी आर हम पहला वाला कंडीशन कंसिडर करते हैं पहला वाला देखते हैं फोर्टीन सी आर फोर्टीन सी आर में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे अगर मैं आर का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डालूंगा बट उसमें से पता है ग्रेटेस्ट वैल्यू कब मिलता है ग्रेटेस्ट वैल्यू इज ऑलवेज फाउंड वेन आपका आर का वैल्यू एन का वैल्यू से हाफ हो आपका आर का वैल्यू एन के वैल्यू का हाफ हो मतलब आपका एन का वैल्यू कितना दिख रहा है फोर्टीन उसका हाफ कितना होता है बच्चों का 7. R का हाफ वैल्यू जिस दिन होगा ना बच्चा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा आपको एंड दैट इज गारंटेड एट रहेगा तो भी छोटा हो जाएगा सिक्स रहेगा तो भी छोटा हो जाएगा तो जितना आप ज्यादा बढ़ाते जाते हो उतना वो कम होते जाएगा जितना आप कम कर जाए फिर भी कम हो जाएगा मिडल में जब रहता है ना तो सबसे बड़ा नंबर रहता है ये है एंड आप लोग आपको सिर्फ इतना लिखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्टीन सी आर ऑकर्स वन आर इज इक्वल टू एन अपॉइंट टू मतलब 2, 7. इसका मतलब है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू फोर्टीन सी का कब मिलेगा मालूम मतलब है जब सी सी होगा मतलब को सॉल्व करना है तो कर सकते हैं पहले मैंने बाद में किया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12c r कब मिलेगा फिर सिंपल है जब r का वैल्यू 12 2 बन जाएगा मतलब 6 मतलब मैं बोल सकता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12c r अपीयर्स व्हेन इट इज 12c 6 खत्म तो मतलब आप लोगों को 14c 7 निकालना है एंड 12c 6 निकालना है उनका डिफरेंस निकालना है बिकॉज़ बोथ आर द ग्रेटेस्ट वैल्यूज तो 14c 7 12c 6 कर दो काम खत्म हो गया तो इजी था ना क्वेश्चन बच्चा लॉजिकली सोचेंगे तो बहुत इजी है फोर्टीन सी सेवन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है बट करना पड़ेगा आप लोग को करना ही पड़ेगा तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा इट विल बिकम फोर्टीन मल्टीप्लाइड बाई थर्टीन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन मल्टीप्लाइड बाय एट देखो कितने नंबर हो गए एक दो तीन चार पांच छह सात सात नंबर है तो यहाँ पे इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन सबको पता है वहां पे सात नंबर आने वाला है तो सात से लेकर वन तक ही होगा एंड यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं ट्वेल्थ सी सिक्स सी सिक्स मतलब छह नंबर ट्वेल्थ इंटू इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन यहाँ पे उतना डिवाइड बाय सिक्स मतलब 6, 5, 000, Into two, by थोड़ा मेहनत है बट आप लोग देख सकते हो मेहनत इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि आप लोग देखोगे सिक्स के टेबल में ट्वेल्व आता है फाइव के टेबल में टेन आता है फोर के टेबल में एट आता है थ्री के टेबल में नाइन आता है ऐसे कैंसिलेशन करोगे ना इतना गारंटी बोल सकता हूं एक चीज है बच्चों कॉम्बिनेशन में आप में आपका डिनोमिनेट ऐसा कभी नंबर मिलेगा ही नहीं आप लोग को जो डेसिमल में हो डेसिमल में मिलता ही नहीं एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट इसका मतलब होता है कि मतलब ज्यादातर तो हमने देखा है ज्यादातर क्या होता ही है कि आपका डिनोमिनेटर में एक भी टर्म बचता नहीं आपका सारा डिनोमिनेटर उठ जाता है न्यूमरेटर में कुछ नंबर बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है इधर भी न्यूमरेटर में कुछ नंबर बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा तो पे हाँ बच्चों मैंने पहले वाला किया है थ्री फोर थ्री टू यही सोचा था मैंने उधर भी ऐसा किया ऐसा लगा था मुझे बट नहीं उधर मैंने पूरा किया था इधर थ्री फोर थ्री टू माइनस नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर मतलब पहला वाला फ्रैक्शन का थ्री फोर थ्री टू मिलेगा दूसरे का नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर मिलेगा अगर मैं इन दोनों को सब करता हूं तो मुझे टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एट करके मिलता है आंसर एंड इट इज एट सिंपल एज दैट सिंपल है बच्चों क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का सब क्वेश्चन uh, का सब क्वेश्चन के मन में डाउट तो आया ही होगा कि आपने जब बोला था कि R का सवाल तो मन में आया ही होगा तो देखो ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है इसका सब क्वेश्चन नंबर सी में आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं तो आप लोग खुद करोगे वो वाला उसमें दोनों ऑड नंबर है इसमें एक ही ऑड नंबर है तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है तो ऐसे टाइम में आर के दो पॉसिबिलिटीज होते हैं एंड दोनों पॉसिबिलिटी सेम आंसर देता है मतलब समझा नहीं तो देखो 13 है तो 13 से एक कम करने का एंड 13 से एक बढ़ाने का तो so, n का वैल्यू यहां पे 13 है तो 13 से एक कम करने का एंड 13 से एक बढ़ाने का 13 से एक कम करोगे तो क्या मिलेगा 12 तो so, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 6 रहेगा तो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू है 13 प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा 14 14 डिवाइडेड बाय 2 करो कितना 7 7 रहेगा तो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा एंड दोनों का वैल्यू सेम रहता है यकीन नहीं आ रहा है बताता हूं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 13c r ऑकर्स व्हेन r इज इक्वल टू या तो 13 से एक कम का डिवाइडेड बाय 2 मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2 या तो 6 और एट r इज इक्वल टू 13 से एक ज्यादा मतलब 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सेवन और लिखा है मैंने यहां पे मतलब या तो ये ले सकते हैं नहीं तो वो ले सकते हैं मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्टीन सी आर कु आईदर थर्टीन सी सिक्स और थर्टीन सी सेवन आपको पता है बच्चों दोनों का आंसर सेम देता है सेम ही देता है एंड ये तो प्रॉपर्टी है बच्चों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है एनसीआर इज ऑलवेज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर तो थर्टीन सी सिक्स माइनस सेवन सिक्स ही दे रहा है दोनों का वैल्यू सेम होता है तो आप या तो थर्टीन सी सिक्स सोल्व करके या तो थर्टीन सी सेवन सोल्व करके कोई एक करना दोनों मत करना दोनों का आंसर सेम आता है डोंट वेस्ट योर टाइम तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एट सी आर तो बड़ा सिंपल है

टेन इंटू नाइन एक दो तीन चार इंटू एट अगर थर्टीन सी सेवन होता तो एक और लिखना पड़ता मुझे आंसर तो सेम मिलने वाला है बट क्यों लिखने का तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन मिलेगा माइनस एट सी फोर मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा कर लो सारे डिनोमिनेटर्स गायब हो जाएंगे सारे डिनोमिनेटर्स गायब हो जाएंगे आप लोग यहां पे देख सकते हैं कितना मिलेगा आप लोग को अगर आप लोग को यकीन नहीं आता है ना मैं सारे डिनोमीटर गायब हो जाएंगे बोल रहा हूं तो ध्यान से देखो फोर वन फोर टू जार एट देखो सेकंड फ्रैक्शन को देखो सेकंड फ्रैक्शन फोर टू जार एट एट और एट कैंसिल हो रहा है थ्री वन जार थ्री एट देखो ना डिनोमीटर गायब

ये वर्ड प्रॉब्लम्स उल्टा ज्यादा इजी है इनफैक्ट ये जो छोटे छोटे चीजें थे ना वो ज्यादा बोर करते हैं ये उल्टा डिफिकल्ट नहीं है सिंपल है इन हाउ मेनी वेज कैन अ बॉय इनवाइट हिज फाइव फ्रेंड्स एट अटू अ पार्टी सो दैट एटलीस्ट थ्री ज्वाइन द पार्टी सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों कितने वेज हाउ मेनी वेज कैन बॉय इन्वाइट हिज फ्रेंड्स फ्रेंड्स को इन्वाइट कर रहा है मतलब सिलेक्ट कर रहा है अरेंज नहीं कर रहा है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पांच फ्रेंड्स में से एटलीस्ट थ्री ये मजेदार क्वेश्चन है बच्चों थोड़े से लिंगदी होते हैं बट बहुत सिंपल होते हैं ध्यान से सुनना आगे के दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही सेम होने वाले सिमिलर टाइप के होने वाले है, तो ध्यान समझते बच्चो एटलीस्ट थ्री का मतलब होता है कम से कम तीन तो होना चाहिए मतलब तीन को तो बुलाना ही चाहिए उसका तो तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकते हैं या तो वो तीन दोस्तों को बुलाए उससे कम नहीं बुला सकता बट चार को भी बुला सकता है पांच को भी बुला सकता है देर आर पॉसिबिलिटीज नाउ प्रोबेबिलिटी हो रहा है ये इसका मतलब है एटलीस्ट थ्री बॉयज द पार्टी इसका मतलब यह है बच्चों देर कुड बी थ्री बॉयज कमिंग टू दार्टी फोर बॉयज कमिंग टू द पार्टी और फाइव द पार्टी बराबर है तो इसका सिंपल है बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे बच्चों अगर उसने तीन बॉयज को बुलाया तो पांच बॉयज में से तीन बॉयज को बुलाना मतलब फाइव सी थ्री वेज हो जाएंगे एंड और है यहां पे या तो या तो या तो दिस इज एन एडिशन प्रिंसिपल बॉयज में से चार बॉयज को भी बुला सकता था वो या तो पांच बॉयज में से पांच बॉयज को बुला सकता था क्वेश्चन खत्म हो गया बस इतना ही था क्वेश्चन में समझ में आया होगा फाइव सी थ्री मतलब सॉल्व करो बच्चों अगर आप को देखो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है आप शॉर्टकट में थोड़ा सा डर जाओगे यहाँ पे फाइव सी थ्री में मैंने लिखा है फाइव मल्टीप्लाइड बाई फोर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय थ्री डिवाइडेड बाय थ्री मल्टीप्लाइड टू मल्टीप्लाइड बाय अब यहाँ पे बच्चों uh, अगर आप लोग को शॉर्टकट में थोड़ा सा इजी करना है चीजों को आपको पता है 5C3 को मैं 5C2 भी लिख सकता था, दोनों सेम होते हैं तो फाइव सी टू लिखने का एडवांटेज क्या होता है फाइव इंटू फोर डिवाइडेड बाय टू इंटू वन आपको कितना मिलता है उसका आंसर टेन मिल जाता इधर कितना मिल रहा है टेन ही मिल रहा है तो आप लोग के ऊपर है आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी समझोगे यहाँ पे ट्राई करके देखो फाइव ही होता है 5C4 तो फाइव ही होगा 5C5 मतलब क्या होगा तो इसको सॉल्व करो पहला आंसर टेन मिलेगा दूसरा आंसर फाइव मिलेगा तीसरा आंसर वन टेन प्लस फाइव प्लस वन सिक्सटीन होता है सो देर आर सिक्सटीन पॉसिबिलिटीज सिक्सटीन वेज कि वो अपने दोस्तों को एटलीस्ट थ्री बॉयज को बुला सके

इससे क्या करोगा मैं सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्रॉस चेक करते रहना आप लोग देखो मैं आपको बताता हूं ग्रुप में नाइन मेन है एंड सिक्स ऑफ सिक्स छे को सिलेक्ट करना है छे ही होने चाहिए हाउ मेनी ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन वीमेन कम से कम तीन वीमेन तो होनी चाहिए एंड छे का कमिटी बनाने का है तो आपको नहीं लगता बच्चों ये जो स्टेटमेंट को पढ़ो ये सारे पॉसिबल हो सकते हैं कि नहीं बच्चों कम से कम तीन वीमेन होने चाहिए एंड मेरे पास टोटल छे विमेन है तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकता है पहला पॉसिबिलिटी कि तीन विमेन लूंगा तो तीन ही मेन लेना पड़ेगा बिकॉज छह का कमिटी बनाने का बट कम से कम तीन विमेन बोला है इसलिए मैं विमेन को बढ़ा सकता हूं तो अगर मैंने चार विमेन ले लिए तो मुझे दो मेन को लेना पड़ेगा तो सेकंड पॉसिबिलिटी टू मेन एंड फोर विमेन पॉसिबिलिटी हो सकता है नहीं तो मैं पांच वीमेन को ले सकता हूं एंड एक मैन को लेना पड़ेगा बिकॉज उससे भी मेरे छ का कमेटी बन रहा है और ऐसे भी कर सकता हूं ना बच्चों की उन्होंने थोड़ी ना बोला है कि मैन होना कंपल्सरी उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट थ्री वीमेन होने चाहिए मतलब विमेन छ के छे होंगे तो भी चलेगा तो छह विमेन लूंगा तो मैन लेने की जरूरत ही नहीं है तो इससे भी छह का कमेटी बन सकता है दीज आर ऑल दी पॉसिबिलिटीज हाली रे हाली डेंजरस प्रश्न जी पाड़ी हाली आता बगा एवरी वन अ लुक तो सबसे एक काम करते एक 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 करके सॉल्व करते हैं तो पहला पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ वेज फॉर फाइंडिंग थ्री मेन एंड थ्री वेमेन तो थ्री तो मेन एंड थ्री वन आपके पास कितने मेन है नाइन तो उसमें से थ्री मेन लेना है मतलब थ्री सिक्स में से थ्री वेमेन ले लिया तो सिक्स वेज काम खत्म नाइन सी थ्री को सॉल्व करो बच्चों मैंने यहां से सॉल्व करना शायद से बंद कर दिया है बिकॉज अगर सब कुछ सॉल्व करते बैठूंगा तो वीडियो इतना लंबा जाएगा 24 घंटे लगेंगे मुझे वीडियो बनाने में ये ओके okay, सो so, थोड़ा सा मैंने अभी देखो नाइन सी थ्री मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया तीन नंबर लेना करो ना इसका आंसर मिलेगा बच्चों नहीं अभी मैंने किया है। ये वाले क्वेश्चन में आप लोग को फिर भी करके दिया नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में या फिर इसका नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने करना बंद कर दिया शायद नाइन इंटू एट इंटू सेवन डिवाइडेड बाय थ्री इंटू टू इंटू वन सब कुछ करके दे रहा हूं आप लोग को मल्टीप्लाइड बाई सी थ्री मतलब इसको अभी थोड़ा सॉल्व करो खुद से पहले वाले का फ्रैक्शन का मिलेगा 84, दूसरे वाले का मिलेगा बच्चों 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलता है 1680 पॉसिबिलिटीज ये पॉसिबिलिटी है पहले पॉसिबिलिटी का ये ये जो काउंट है नंबर ऑफ वेद पहले पॉसिबिलिटी का अभी और पॉसिबिलिटीज आना बाकी है नंबर ऑफ वेज फॉर टू मेन एंड चार वुमेन अभी आप लोग खुद से करना स्टार्ट करो तो बच्चों मेरे पास नाइन मेन है तो नाइन सी टू हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय फोर है तो छे में से चार मतलब सिक्स फोर हो जाएंगे अभी इधर देखो मैंने शायद से सॉल्व करना बंद कर दिया है हाँ इधर से मैंने सॉल्व करना बंद कर दिया है आप लोग अभी खुद से करोगे सब कुछ ठीक है तो नाइन सी टू मतलब थर्टी सिक्स है मल्टीप्लाइड बाय सिक्स मतलब फिफ्टीन है एग्जाम में आपको पूरा करना है एग्जामिनेशन में फटाफट से रफ में करो एग्जाम आपको पूरा करना है यहां पे मैं आप लोग को शॉर्टकट बता रहा हूँ थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं जहां पे टू मेन और फोर वीमेन हो बट नेक्स्ट है बच्चों क्या वन मैन एंड फाइव वीमेन वन मैन मतलब नाइन मेन में से एक मैन को उठाओ नाइन सी वन एंड फाइव विक्स वीमेन में से फाइव मतलब 6C5. ये तो ज्यादा ईजी है नाइन सी वन मतलब नाइन ही होता है

राइट right? अब आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शंस निकालना है तो हमने क्या किया था या तो ये होंगे नहीं तो ये होंगे तो पॉसिबल थे ना तो एडिशन करना पड़ेगा तो डेयर फोर द टोटल नंबर ऑफ वेज कुड बी फर्स्ट नंबर ऑफ ए कितना था 1680 प्लस दूसरा था 540 फोर्टी प्लस तीसरा था फिफ्टी फोर एंड चौथा था वन इनको ऐड करोगे तो आपको सबका नंबर ऐड करने के बाद मिलता है पॉसिबिलिटीज होंगे जहां पे मुझे एटलीस्ट को सिक्स मेंबर में बिठाना पड़ेगा वेरी 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 सिंपल था आई होप सबको समझा है एक ही स्टेप को बार 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 दोहराया है और कुछ नहीं किया है अगर आप लोग को समझ में आया है तो ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से करोगे मैं आपको सिखाने तो वाला हूं बट आप खुद से करोगे तो थोड़ा बोर कम हो जाएगा आपको खुद करने का एक मोटिवेशन एक

बहुत ज्यादा लेंगे क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा है शायद दो तीन पेज ले सकता है इतना ज्यादा लंबा है सबसे पहला कमिटी ऑफ टेन टू बी फॉर्म है उसमें सबसे पहला उन्होंने क्या बोला है है कि द, आ, हमारे पास पर्सन पर्सन में 10 और मेन तो बट का कमिटी जो मनाने का है उसमें एटलीस्ट फाइव वीमेन होने चाहिए अब ये वाला स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तो शायद समझेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉसिबिलिटी नंबर वन कि एटलीस्ट फाइव वीमेन का मतलब होता है कि कम से कम पांच वीमेन तो होने चाहिए एंड मेरे पास दस वीमेन है बट मुझे दस का ही कमिटी बनाने का है तो पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है कि पांच विमेन और पांच मेन लू दस का हो रहा है फिर कम से कम पांच बोला है तो छह भी हो सकते हैं तो छह और चार मेन मेन सेवन सेवन एंड थ्री मेन का भी पॉसिबिलिटी हो सकता है एट मेन सॉरी एट विमेन और टू मेन का भी हो सकता है अभी भी दस हो रहा है नाइन विमेन एक मैन का भी हो सकता है अभी भी दस हो रहा है एंड ऑल टेन वीमेन का भी हो सकता है बिकॉज मेरे पास टेन विमेन है प्रेजेंट मेरे पास प्रेजेंट ही टेन वीमेन है तो ऑल द टेन वीमेन का भी हो सकता है बिकॉज दस का कमिटी बनाने का कितने सारे पॉसिबिलिटीज है देखो ना अब थोड़ा फटाफट से भगाते थे बच्चों बिकॉज ये सिंपल है क्योंकि क्या करने वाले में सारे पॉसिबिलिटीज के कॉम्बिनेशन बनाने जैसे पांच मेन और पांच वीमेन मेरे पास मेन कितने हैं आठ है मेरे पास वीमेन कितने हैं दस है तो मतलब बोल सकता आठ में से पांच लिए हैं मेन को और दस में से पांच को लिए हैं इसको सॉल्व करना आता है बच्चों एट सी फाइव को सॉल्व करोगे तो फिफ्टी सिक्स मिलेगा सॉल्व करोगे तो टू फिफ्टी टू मिलेगा इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे तो असाइनमेंट आप लोग एक 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 सॉल्व करना एंड मेरा वीडियो को देखते रहना एक 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 सॉल्व करना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते रहना ओके नंबर ऑफ एज फॉर मेन मेन एंड तो मतलब में से लोगों को लिया मैंने मेन में से एंड में से छह को लिया है फिर से सेवेंटी हो जाएगा एंड टेन सी सिक्स टू हंड्रेड एंड टेन होगा इवेंचुअली नंबर छोटे छोटे हो जाते हैं फिर यहाँ पे आपको फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड मिलेगा फिर आप लोग देख सकते हो मैंने नंबर ऑफ मेन थ्री लिए सात वीमेन लिएट सी थ्री होगा मल्टीप्लाइड बाई टेन सी सेवन हो जाएगा यहाँ पे 8c3 56 मिलता है, 10c7 आपको 120 मिलता है। वह जो 10c7 अगर आपको टेंशन दे रहा है, 10c7 मतलब सात नंबर, छोटा नंबर करना सीखो, 10c7 को लिखा जा सकता है 10c10-7, जो कि ये 10c3, 10c7 एंड 10c3 इक्वल है। तो 10c7 मत निकालते बैठो, 10c3 निकालोगे तो वही आंसर मिलेगा।

यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बाकी है नहीं दो और पॉसिबिलिटी बाकी है नाइन विमेन एंड वन मैन मतलब आठ में से एक एंड दस में से नौ फिर से यहाँ पर वही होगा एट सी वन तो एट होता है सी नाइन को कैसे लिखा जा सकता है खुद करो अभी कमेंट में मत बताओ अभी ट्राई करो इसका आंसर मिलने वाला है इसका एटी मिलेगा एंड लास्ट बट नॉट दिल्ली सारे टेन विमेन होते तो टेन सी टेन हो जाता जो कि आपको वन ही दे देता सिंपल है अब सारे पॉसिबिलिटीज देखो द टोटल नंबर ऑफ दैट आई कुड सेन थाउजेंड वन वन टू प्लस फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड प्लस सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी प्लस 1260 प्लस 80 प्लस 1 ये सब चीज कर देते हैं बच्चों आपको आंसर मिलता है 36873 पॉसिबल वेज है यहाँ पे इसको इस पर्टिकुलर ग्रुप को 10% का कमेटी बनाने को लेंथी है बट इट इज एज सिंपल एज़ दैट क्वेश्चन नंबर 23 का अभी भी क्वेश्चन बाकी है बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबल कमिटीज विल हैव मेन इन मेजॉरिटी मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है

फोर वीमेन को ले पाऊंगा दस कमेटी दस का कमेटी बट यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है ध्यान से देखो पॉसिबल सिलेक्शन में सब फॉर हैिटी कुड बी सिक्स मेन एंड फोर वेमेन बिकॉज दस का कमेटी बन रहा है सेवन मेन एंड थ्री वेमेन भी बन सकता है एंड एट मेन एंड टू वेमेन के बाद में, में क्यों रुका मालूम है बिकॉज एट ही मेन है बच गए नहीं तो नाइन एंड वन टेन एंड जीरो ऐसा भी करना पड़ता बट ऐसा नहीं हुआ मेन सिर्फ आठ है इसलिए तीन ही कंडीशन हो रही तो तीन कंडीशन में सबसे पहला मेन एंड का सेम कंडीशन करना है आठ में से 6 ले लिए मेन को एंड दस में से चार ले लिए सॉल्व करो इसको बचो ट्वेंटी मिलेगा इसका आंसर फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी सिमिलरली नंबर ऑफ फॉर सेवन मेन एंड थ्री देखोगे तो एट सी सेवन मल्टीप्लाइड होगा एट सी सेवन मतलब 8 ही होता है तो एट मिलेगा एंड टेन सी

मिल चुके हैं सबको ऐड करो तो आपको क्या-क्या मिलेगा 5880 प्लस 960 प्लस 45 ये तीन ही तो कंडीशंस थे एंड इसका टोटल मिल जाएगा 6885 एज़ द आंसर एंड इट वाज एज़ सिंपल एज़ अब जाकर क्वेश्चन नंबर 23 खत्म हो गया कैन यू इमेजिन कितना बड़ा था ये चलो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास A question paper has two sections. Section one has five questions and section two has six questions. The student must answer at least two questions from each section among six questions he answers. How many different choices does the student have in choosing questions? सच बताना बच्चों कुछ नहीं समझा रहा। झूठ न मत बोलो क्योंकि question मुझे भी नहीं समझ में आया। अब समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला है क्योंकि ये question बहुत easy बहुत इजी है सिर्फ समझने की देरी है अ क्वेश्चन पेपर है एंड उन्होंने कंडीशन डाला है कि आप ऐसा नहीं कि सेक्शन नंबर वन को पूरा छोड़ दो सेक्शन टू पूरा करो ऐसा नहीं है सेक्शन टू को पूरा छोड़ दो क्वेश्चन सेक्शन वन करो ऐसा नहीं है. हर सेक्शन में ईच सेक्शन में से एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो आपको करना ही एंड उस बंदे ने टोटल छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो करने ही टोटल तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों आर द पॉसिबल थिंग्स नंबर ऑफ वेज फॉर क्या क्या दो अटेम्प्ट करने हैं पे तो क्या क्या हो सकता है देखो आ, मैं क्या क्या नंबर वेज कर सकता हूं यहां पे मैंने शायद से अलग अलग करके दिया है मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है बट मैं पूरा स्टेटमेंट आपको एक बार बोल देता हूं कि बच्चों वो आदमी को जो किसी भी ने भी स्टूडेंट ने सॉल्व किया है स्टूडेंट ने एंड तो क्वेश्चन दो तो होने चाहिए हर कैटेगरी में मिनिमम तो क्या बोल सकता हु? पहले सेक्शन में से वो दो करेगा तो दूसरे सेक्शन में से उसको चार करना पड़ेगा तो टू एंड फोर या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले सेक्शन में से वो तीन करेगा तो दूसरे सेक्शन में से भी वो तीन करेगा तो हो रहा है या तो पहले सेक्शन में वो चार करेगा एंड दूसरे सेक्शन में उसको दो करना पड़ेगा तो छे हो रहा है अब बोलोगे पांच और एक क्यों नहीं उन्होंने बोला है ना हर सेक्शन में एटलीस्ट टू तो होना चाहिए तो तीन ही पॉसिबिलिटी हो रहा है टू फोर थ्री थ्री या फोर टू दीज आर दी ओनली पॉसिबिलिटीज अभी समझा तो पहला देखो नंबर ऑफ वेद फॉर टू क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन वन एंड फोर क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन टू ये वे हो सकता है तो कितना हो रहा है पांच पांच क्वेश्चन है पांच एंड छे क्वेश्चन है तो पांच में से दो लिए एंड छे में से चार लिए सेक्शन को देखो ना पांच क्वेश्चन इन सेक्शन वन छेक्शन टू फाइव सी टू मतलब होता होता है मतलब 15 होता है मतलब हो गया काम खत्म कितना इजी था दूसरा है नंबर ऑफ वेज सेक्शन वन में से तीन क्वेश्चन चुना एंड सेक्शन टू में से तीन क्वेश्चन चुना तो क्या हो जाएगा फाइव सी थ्री मल्टीप्लाइड बाई सी थ्री हो जाएगा इसको सॉल्व करो टेन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी हो जाएगा सिंपल है इसका आंसर मिलता है बच्चों टू हंड्रेड एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऐसा भी हो सकता है ना कि सेक्शन वन में से उसने चार क्वेश्चन उठाए एंड सेक्शन टू में से उसने दो ही क्वेश्चन उठाए तो मतलब फाइव सी फोर हो जाएगा एंड सिक्स होता है एंड सिक्स मिलेगा टोटल पॉसिबिलिटीज मिल गए तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी डन ओवर हियर इज नथिंग बट इक्वल टू वन फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड प्लस सेवेंटी फाइव अगर इनको सबको एड करते तो फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव मिलता है जो क्वेश्चन भयानक लग रहा था वो तो छुटकी भर में हो भी गया मैंने आपको

उसमें से इतना गारंटीड है कि थ्री विकेट कीपर्स है एंड पांच बॉलर है तो पहला दिमाग में ये आना चाहिए आप लोग के पास कि मेरे पास ट्वेंटी टू क्रिकेट प्लेयर्स जो है मैंने जो एक्सेस में एक्स्ट्राज में रखे हैं ये सारे अब तो उनमें से सिलेक्शन करना बाकी है बट ट्वेंटी टू क्रिकेट प्लेयर्स जो मेरे पास है उसमें थ्री विकेट कीपर है एंड पांच बॉलर है तो बैट्समैन भी तो पता होने चाहिए ना कितने हैं तो सबसे पहला बैट्समैन निकालते फाइव प्लस थ्री हो गया एट आठ लोग तो बॉलर एंड विकेट कीपर है

बट उसमें से एक ही विकेट कीपर होना चाहिए तो मतलब बोल सकते पॉसिबल सिलेक्शन जो होंगे इन्होंने बोला एग्जैक्टली exactly वन विकेट कीपर होना चाहिए एटलीस्ट चार बॉलर होने चाहिए इन द टीम हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स कैन बी फाउंड एंड ग्यारह लोग हैं तो क्या मैं बोल सकता पहला पॉसिबल सिलेक्शन ऐसा हो जाएगा कि एटलीस्ट वन विकेट कीपर सॉरी एग्जैक्टली वन विकेट कीपर बोला मतलब वन विकेट कीपर होगा एंड एटलीस्ट चार बॉलर है एंड मेरे पास है पांच ही बॉलर तो या तो ऐसा हो सकता है कि एक विकेट कीपर चार बॉलर तो पांच लोग हो गए तो छह बैट्समैन होंगे दैट्स द फर्स्ट पॉसिबिलिटी नहीं तो उन्होंने बोला विकेट कीपर एक ही होना चाहिए तो विकेट कीपर एक ही है एंड पांच बॉलर भी हो सकते बिकॉज एटलीस्ट चार बॉलर बोला है तो पांच बॉलर हो सकते हैं तो पांच बैट्समैन हो जाएंगे क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे दोनों का एडिशन करेंगे तो इलेवन ही बन रहा है तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज सो सबसे पहला पॉसिबिलिटी अगर हम देखेंगे तो मैंने यहां पे क्या किया मान लो मैं शॉर्टकट का भी शॉर्टकट यूज किया है बच्चों अब मैंने अलग अलग पॉसिबिलिटी भी नहीं निकाला है मैंने अभी सब कुछ क्लब कर दिया बच्चों दोनों पॉसिबिलिटी एक ही में लिख लिया अभी काफी हो गया बच्चों तो पहला पॉसिबिलिटी क्या था विकेट कीपर कितने विकेट कीपर से तीन कितना लेना है एक थ्री सी वन मल्टीप्लाइड पांच कितने ले लिए चार फाइव सी फोर मल्टीप्लाइड बाय कितने बैट्समैन थे फोर्टीन उसमें से लिए कितने सिक्स फोर्टीन सी सिक्स दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी प्लस या तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा बच्चा एक विकेट कीपर मतलब थ्री सी वन ही होगा फाइव बॉलर मतलब फाइव सी फाइव होगा एंड पांच बैट्समैन मतलब कितने बैट्समैन में से फोर्टीन फोर्टीन सी फाइव सिंपल है अभी पहले वाले को सॉल्व करो थ्री सी वन इंटू फाइव सी फोर इंटू फोर्टीन सिक्स क्या होगा थ्री सी वन थ्री होता है थ्री जीरो जीरो थ्री होता है, है बच्चों अगर ब्रैकेट डालना है तो डालो मैंने नहीं डाला है बट आप बॉडमास रूल के हिसाब से मैंने तो समझ लिया बट आप ब्रैकेट डालो चाहे तो प्लस थ्री वन थ्री होता है फोर्टीन सी फाइव टू जीरो जीरो टू होता है पहला थ्री जीरो जीरो थ्री इंटू फाइव इंटू थ्री को सॉल्व करो फोर फाइव जीरो फोर फाइव मिलेगा एंड थ्री इंटू वन इंटू टू जीरो जीरो टू करो सिक्स जीरो जीरो सिक्स मिलेगा इन सबको एड करके देखो आपको आंसर मिलेगा फिफ्टी वन थाउजेंड फिफ्टी करके दिस इज़ द फाइनल आंसर पे आप लोग का ये कंडीशन फोर एंड वन विकेट कीपर हो इतना मिल सकता है, as as 26 में जाते है 11, selected, ये उल्टा बहुत ज्यादा सिंपल है ट्वेंटी सिक्स में हो जाता है देखो ध्यान से सुनना अच्छी तरह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट सिलेक्ट किए इलेवन में से हाउ मेनी वेज कैन दी स्टूडेंट्स बी सिलेक्टेड इफ टू स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स देखो बच्चो मेरे पास ग्यारह स्टूडेंट्स है एंड उसमें से पांच को चुनना है एंड उसमें से सब क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है मालूम है कि टू स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी सिलेक्ट तो उन दोनों को तो मैं लूंगा ही लूंगा तो उनको लूंगा नहीं लूंगा उनका चूज करने का तो सवाल ही नहीं उठता ध्यान से सुनो

थ्री स्टूडेंट्स नीड्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम देर बाकी के नाइन स्टूडेंट्स थ्री स्टूडेंट्स क्यों सिलेक्ट करने पड़ेंगे बिकॉज मैंने दोनों को तो ऑलरेडी ले लिया है गोलू और जो भी है उनको मैंने ऑलरेडी ले लिया वो दो स्टूडेंट्स तो है ही मेरे पास एंड मुझे पांच स्टूडेंट्स लेने थे तो दो स्टूडेंट्स को तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया अब तीन स्टूडेंट्स उन बाकी नौ स्टूडेंट्स में से लेना पड़ेगा बिकॉज बाकी नौ कैसे ग्यारह स्टूडेंट्स थे उनमें से दो तो ले लिए ना तो नौ बचे हुए नाइन बचे हुए में से मुझे कितने स्टूडेंट्स लेने पड़ेंगे थ्री स्टूडेंट्स लेने पड़ेंगे तो क्या मैं बोल सकता दैट कुड बी डन इन वेज काम खत्म नाइनसी थ्री मतलब खत्म भी हो गया सब क्वेश्चन नंबर टू तो और भी इजी है टू स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर नॉट सिलेक्टेड एट ऑल भाई इनको इग्नोर करने का है मतलब ग्यारह बच्चों में से गोलू और मोटू जो था उनको मैंने लिया सिलेक्ट किया एंड फेंक दिया उनको इनको मैंने सिलेक्ट किया नहीं चाहिए मुझे इन लोग दोनों निकल जाओ यहां से निकल पहली फुर्सत में निकलो तो यहां पे दो स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स को मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया इनको चाहिए ही नहीं तो बच्चों अगर दो स्टूडेंट्स को मैंने स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स uh, को लेकर सिलेक्ट ही नहीं किया तो अभी भी मेरे पास नौ बच्चे ही बाकी है बट इस बार नौ बच्चों में से मुझे तीन चुनना है क्या नहीं क्योंकि मैंने दो चुना ही नहीं था इनको इनको तो निकाल दिया तो इन नौ बच्चों में से मुझे पांचों के पांचों को सिलेक्ट करना पड़ेगा अभी इसीलिए आई कैन से द टोटल नंबर ऑफ फाइव स्टूडेंट्स नीड्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग नाइन स्टूडेंट्स रिमेनिंग नाइन स्टूडेंट्स में से पांचों को उठाने पड़ेंगे क्योंकि मैंने दो को लिया ही नहीं तो इसका मतलब है बच्चों टोटल नंबर ऑफ इज कोड भी नाइन एंड नाइन्टी फाइव करोगे तो वन ट्वेंटी सिक्स मिल जाएगा काम खत्म हो गया एंड दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अब जाकर खत्म हो गया कितना लंबा वीडियो गया आप लोग देख सकते हो तो बच्चों एक और बात बताना चाहता हूं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स हो गया मतलब आज का सेशन खत्म नहीं हुआ है स्टिल टू रिमेनिंग बच्चों ध्यान से सुनो ऐसा कैसे दो और क्वेश्चन कौन से बाकी है मैंने आप लोग को परम्यूटेशन का सर्क्यूलर परम्यूटेशन सिखाते हुए बोला था कि एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर एट जो है वो मैंने नहीं लिया था उस टाइम क्योंकि उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल था वो जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ सर्कुलर परम्यूटेशन से नहीं सॉल्व करना था बट उसमें कॉम्बिनेशन का भी टॉपिक आने वाला था तो तभी नहीं ले पाया अभी ले रहा हूं तो जिस जिस बच्चे को वो समझना है नहीं समझा है तो अभी जाकर अभी ये वाले वीडियो को देखें, ये देखो इधर एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइव मेन टू वीमेन एंड अ चाइल्ड सीट अराउंडुलर पर मिक्स द नंबर ऑफ अरेजमेंट वेर दाइल्ड इज सीटेडवीन टू वीमेन एंड बिटवीन टू मैन पहलाटेड नहीं है वो तो ईजी है देख सकते हो बच्चो हमारे पास पांच मैन है एंड टू वीन है टू ही वेमेन है एंड एक चाइल्ड है तो फाइंड द नंबर ऑफ अरेजमेंट वेर दाइल्ड इज सीटेड मतलब यहां पर

एंड ये सिंगल ऑब्जेक्ट कितने में हैं गए तो क्या मैं बोल सकता हूँ सिक्स पीपल जो है फिर बोल सकता इनको अरेंज करने के सर्क्यूलरली अरेंज करने का हमने फॉर्मूला सीखा था एन माइनस वन वेज एन माइनस वन फैक्टोरियल वेज तो यहाँ पे सिक्स माइनस वन फैक्टोरियल मतलब फाइव फैक्टोरियल वेज हो जाएगा बट जब मैंने इनको सिंगल ऑब्जेक्ट माना था तो फाइव फैक्टोरियल वेज तो हो गया बट ये जो दो विमेन थे जिसके बीच में चाइल्ड है इन दोनों विमेन को भी तो अरेंज किया जा सकता था एक दूसरे के साथ टू फैक्टोरियल वेज में मतलब दिस टू विमेन कुड बी इन फैक्टोरियल वेज एज वेल इसका मतलब बच्चों इसका आंसर क्या द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी फैक्टोरियल फैक्टोरियल बाय इसका आंसर मिल जाता है कहां यहां कॉम्बिनेशन आया नहीं आया क्यों नहीं आया मालूम मतलब बताता हूं क्योंकि टू विमेन ही थे मेरे पास एंड टू विमेन को ही सिलेक्ट करना था तो मतलब अरेंज करना था नॉट अ डिफिकल्ट थिंग बट जब सब क्वेश्चन नंबर बी जो आया इल्ड इज सीटेड बिटवीन टू मैन आपको पता है बच्चों एक क्वेश्चन को परम्यूटेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है फाइव पी टू करके मैं आपको कॉम्बिनेशन भी सिखाना चाहता हूं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड इज सीटेड बिटवीन टू अब आप बोलोगे अरे सर प्रीवियस वाले जैसा ही तो है दो मैन को लो बीच में चाइल्ड डालो अरे नहीं ना ये जो दो मैन आप लोगे आपके पास तो पांच मैन है उसमें से कौन से दो मैन को लेना है विच मैन आर यू गोइंग टू सिलेक्ट ताकि उसके बीच में उन दोनों के बीच में चाइल्ड बैठे, तो पांच मेन में से कोई दो मेन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं तो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एज अ कॉम्बिनेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट एनी टू मेन आउट ऑफ द फाइव जिसका फाइव सी टू वेज में किया जा सकता है तो टू मेन कुड बी चोजन फ्रॉम फाइव मेन इन फाइव सी टू वेज वेरी सिंपल फाइव सी टू को सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा टेन वेज मतलब बट उनको उठाया है एंड वो चाइल्ड को मैं सिंगल ऑब्जेक्ट मान के चलूंगा अभी सेम सब कुछ सेम तो मेरे पास कितने हो जाएंगे दो मेन है एंड वो चाइल्ड है उसको सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया दो विमेन है मतलब चार हो गए एंड पांच मेन में से मैंने ऑलरेडी दो ले लिए थे सॉरी ये सिंगल ऑब्जेक्ट है ना ये सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब एक हो गया एंड दो मेन विमेन है मतलब तीन हो गए एंड पांच मेन में से मैंने दो मेन तो ऑलरेडी ले लिए तो और कितने मेन बाकी है मेरे पास और तीन मेन बाकी है तो थ्री मतलब कितने होंगे सिक्स तो अरेंज कर सकता हूं सिक्स माइनस वन फैक्टोरियल मतलब में में उनको भी अरेंज किया जा सकता है एक दूसरे के साथ टू फैक्टोरियल वेज में तो आप देख सकते पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को जो आंसर मिला है इधर भी वही आंसर मिल रहा है बट थोड़ा सा चेंज है टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा दैट विल नॉट बी फाइव फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय टू फैक्टोरियल ओनली दस सिलेक्शन कर सकता हूँ तो मल्टीप्लाइड बाई टेन भी हो जाएगा इसका मतलब है टू थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड मिलेगा टू फोर्टी नहीं टू फोर्टी तो मेन को अरेन्ज करने का तो था ही बट ऐसे दस और पॉसिबिलिटीज भी थे ना दो दो मेन को

पहला वो तो समझ में आना चाहिए ना तो थ्री वीमेन में से मेरे पास कोई भी दो को सिलेक्ट करने के चांसेस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू वीमेन कुड बी चोजन फ्रॉम थ्री वन इन थ्री सी टू वेन को उठा सकता हूं या तो ए बी को उठा सकता था नहीं तो बी सी को उठा सकता था नहीं तो ए सी को उठा सकता था है ना थामेन में से दो को उठाने के थ्री वेज थे बराबर है एंड अभी आप देखो लेट अस कंसीडर दो टू वीमेन टू बी टुगेदर उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं तो मेरे पास थ्री विमेन और थ्री मेन थे उसमें से टू विमेन को मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया तो बाकी के चार ऑब्जेक्ट बाकी है तो टोटल फाइव हो जाएंगे इनको फाइव को अरेंज करने के फाइव माइनस वन फैक्टोरियल मतलब फोर फैक्टोरियल वेज हो जाएगा बट वो जो दो विमेन बैठे हैं उनको भी तो अरेंज किया जा सकता है एक दूसरे के साथ टू फैक्टोरियल वेज में तो टू विमेन कुड बी अरेज इन टू फैक्टोरियल वेज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ वेज सॉरी हम लोग कैसे कर सकते हैं हाँ तो अरेंजमेंट ही एक तरह से कितना हो जाएगा इट विल बिकम फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइडोरियल मल्टीप्लाइडल आप लोगों को कितना मिल रहा है वन करके मिलेगा एंड दिस इज हाउ यू हैच वज द कॉम्बिनेशन मतलब यूज अक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड सर्क्यूर परम्यूटेशन एज वेल एंड इट वॉज एट सिंपल एस एड वीडियो काफी लंबा गया है मुझे पता है बट आई होप कि आप लोगों ने सभी लोगों ने इस वीडियो को फ्रेगमेंटेशन में ही देखा होगा क्योंकि पूरा एक साथ देखना मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है होपफुल आप लोग को सब कुछ समझाने की मैंने कोशिश की आप लोगों को समझ में आ गया है दिस वीडियो इज कम्पलीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू आपको जब भी नहीं समझ में आते तो आप फिर से, फिर से से वीडियो को देखकर समझ सकते हैं ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन योर ओन एज वेल वीडियो अगर पसंद आया होगा तो बच्चों जेनुअनली लाइक जरूर करें कमेंट भी करना एट द सेम टाइम शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब इफ योर न्यू टू द चैनल बहुत मेहनत लगती है यहाँ पे सब कुछ समझाने के लिए लिखने के लिए एनिमेट करने कैंड सिंपल एक शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना विल डेफिनेटली मोटिवेट मी अलॉट तो मिलते हो चाहे न्यू चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑलरेडी डन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं